पब्लिक टीवी आपकी आवाज। चैत्र नवरात्रों के चलते मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 दिवसीय हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्ण विधि विधान के साथ हवन पूजन संपन्न कराया गया, साथ ही सभी को प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले लंबे समय से हर वर्ष नवरात्रों में 9 दिन तक हवन पूजन मंदिर प्रांगण में किया जाता है, जिसमें भक्तगण अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और हवन पूजन में शामिल होते हैं। वैदिक मंत्र और उच्चारण के साथ पूरे विधि विधान के साथ हवन संपन्न होता है, उसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस आयोजन में सभी लोग अतिथि हैं और सभी कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। क्या कहना है और किस तरह की तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर? हमारे मंदिर में मनोकामना श्री हनुमान मंदिर रेलवे कॉलोनी में नवरात्रों के पावन पर्व पर मंदिर कमेटी द्वारा बहुत सुंदर तैयारी की गई है, जिसमें मंदिर कमेटी द्वारा नववर्ष शुरू हो रहा है हमारा, तो हमने ओम के झंडे कैलेंडर श्रद्धालुओं के लिए कमेटी द्वारा बनाए गए हैं और वो वितरण कर रहे हैं। हमारे यहाँ पिछले काफ़ी वर्षों से सुबह 9 बजे से 11 बजे तक यह हवन होता है और उसके उपरांत शाम को 5 बजे से 7 बजे तक महिला कीर्तन होता है। यह परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, जिसको हम माता की कृपा से आगे सुचारू रूप से चला रहे हैं। मेरा मुरादाबाद के नगरवासियों से निवेदन है कि मनोकामना मंदिर आए, धर्म लाभ उठाएं तथा कमेटी द्वारा इस बारी लाइट की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है और नवमी के दिन भंडारा होगा, उसमें भी मेरा निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में मंदिर आए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।